इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माय वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपने कोई फेसबुक पेज बनाया है और उसे आप करना चाहते हैं डिलीट, तो आपको मैं बताऊंगा सिंपल स्टेप्स में कि उसे आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले फटाफट अपने फेसबुक को हम ओपन कर लेंगे, अपने फेसबुक की ऐप को। फेसबुक ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले हमारे सामने होम पेज आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सक रहे हैं ये न्यूज़ फीड का पेज आता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे तीन लाइंस आपको जो दिखते हैं ये, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे राइट में तीन लाइन में क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है, और नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेज का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो पेज का ऑप्शन आप ढूंढें, यहाँ पे दिख रहा है आपको पेज, तो पेज में क्लिक करें। तो पेज में आप देखिए आपका पेज यहाँ पे शो करेगा कि जैसे कि मेरे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे है पेज टेक्नो रॉकर्स, और मुझे इसको करना है डिलीट। तो ये हमारा पेज आ गया है यहाँ पे, हम इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा मेन पेज खुल जाएगा, होम पेज हमारे फेसबुक पेज का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम होम में हैं अभी, हमको करना है डिलीट। तो डिलीट करने के लिए आपको पेज के सामने एक ऑप्शन मिल रहा होगा नीचे में, देखिए एडिट पेज का ऐसा कुछ आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। या फिर आप ऊपर में जो तीन लाइन्स दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और एडिट सेटिंग में जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मिल रहा है एडिट पेज का ऑप्शन यहाँ पर इस टाइप का, तो आप एडिट पेज में क्लिक करिए। एडिट पेज में क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेटिंग्स का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सेटिंग्स में क्लिक करिए। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जनरल का, तो जनरल में क्लिक करते हैं। जनरल में क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसे ऑप्शंस आते हैं, तो इस जनरल वाले सेक्शन में हम सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा रिमूव पेज का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेड बॉक्स में रिमूव पेज, यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं पहले बता देता हूँ उसका मतलब क्या है। डिलीटिंग योर पेज मीन्स दैट नोबडी विल बी एबल टू सी और फाइंड इन इट, यानी कि अगर आप पेज डिलीट कर देते हैं इसको कोई भी देख नहीं पाएगा ना इसको कोई ढूंढ पाएगा। अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, एक बार इसे डिलीट कर देते हैं, तो 14 दिन के अंदर इसे रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपका माइंड बदल गया तो आप 14 दिन में इसे रिस्टोर कर सकते हैं यहीं पर आके अपने सेटिंग्स में आके। अदरवाइज 14 दिन के बाद अगर आप इसे डिलीट 14 दिन तक ऐसे ही आप इसे छोड़ देते हैं तो ये पेज फिर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहा है डू यू आस्क टू कंफर्म वेदर टू डिलीट इट परमानेंटली। तो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट टेक्नो रॉकर्स, यहाँ पे आप दिख रहा है जैसे कि आपके मेरे पेज का नाम है टेक्नो रॉकर्स, तो इसको डिलीट करने का ऑप्शन इसी तरह आपको भी आपके पेज का मिलेगा। तो उसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से ऐसा, और यहाँ पे लिख रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू बिगेन द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग टेक्नो रॉकर्स, यानी आपके पेज का डिलीट करने का प्रोसेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो आप करना चाहते हैं तो क्लिक करिए डिलीट पेज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया कि ये पेज इंटर डिलीटेशन मोड, यानी कि आपका पेज अभी डिलीटेशन मोड में चला गया है। 14 दिन के अंदर आप इसे अगर कैंसिल नहीं करते तो यह परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और अब इस पेज को आप सर्च करेंगे तो ये पेज आपको नहीं मिलेगा फेसबुक में। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम की होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।